सतना जिले के परसमनिया पठार से डिप्टी रेंजर धीरेंद्र चतुर्वेदी और बीट गार्ड अनिल मांझी को लोकायुक्त पुलिस रीवा ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डिप्टी रेंजर ने वन क्षेत्र में नल जल योजना के तहत चल रहे काम के दौरान जब्त किए गए जेसीबी को छोड़ने के लिए ठेकेदार मन्नू पांडे से 30,000 रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त डिप्टी ने रेंजर के घर से 1,00,000 रुपए नकद और बीट गार्ड से एक पिस्टल भी बरामद की। लोकायुक्त एसपी के मुताबिक पिस्टल के अब तक कोई कागजात नहीं मिले हैं। इसमें एक शिकायतकर्ता है मुन्नू पांडे, ये जो है सबलेट पे ठेका लेते हैं, इनका ठेकेदारी का काम है। पाइपलाइन जो जल की पाइपलाइन योजना के तहत जो उसमें सतना में जो पाइपलाइन जाना है जिसमें पानी की सप्लाई आम लोगों को होना है, उसका ठेका एलएनटी कंपनी को मिला हुआ था। एलएनटी कंपनी ने वो ठेका इनको सबलेट किया काम के लिए। उसी तारतम्य में बहुत सारी उसमें जंगल वन विभाग की भूमि भी आती है उसके अंदर में, हालांकि उससे एनओसी ले ली गई थी और उसमें कलेक्टर सतना के आदेश में मेंशन है कि इसमें से पाइपलाइन बिछाई जाएगी, सारी अनुमतियाँ दी। उसके बावजूद भी वन विभाग के डिप्टी रेंजर मिस्टर धीरेन्द्र चतुर्वेदी हैं और एक उनका बीट गार्ड है अनिल मांझी, इन लोगों ने जो है उसका जब काम चल रहा था मुन्नू पांडे का, तो परसमानिया जाकर उसका जो है एक तो काम रुकवाया और जेसीबी जब्त कर ली जो कि अनऑथराइज था। जब्त करने पर उसके वन विभाग की धाराओं के तहत मुकदमा कायम करने का भी डर दिखाया गया। उसी के एवज में जो है शुरू में 5,00,000, बाद में 1,00,000 और फिर 30,000 पर मामला सेटल हुआ। पूर्व में इनके द्वारा दोनों के द्वारा 5,000 रुपये ले भी लिए गए, जेसीबी नहीं छोड़ी गई। इससे वो परेशान हो गया था ठेकेदार को, फिर उसके बाद उसने जो है यहाँ पर लोकायुक्त रीवा में उसकी शिकायत की, उसका हमने सत्यापन कराया। सत्यापन के बाद आज दिनांक को परसमानिया जो बन चौकी है वहीं जाकर लोकायुक्त की टीम ने डिप्टी रेंजर धीरेन चौधरी और अनिल मांझी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने आज गिरफ्तार किया है। इसी तारतम्य में जब उनके घर की सर्च कराई गई तो उसमें 1,00,000 रुपये नकद और एक पिस्टल जो अवैध है, लाइसेंस इसका अभी तक नहीं मिला है, को हमने जब्त किया है। अभी जो है मैयर रेस्ट हाउस में आगे की कार्रवाई जारी है। 5,000 रुपये पहले दे चुके थे।